माशाल्लाह, बहुत प्यारी लग रही है। मेरे घर की रौनक बन गई हो तुम तो आज मैं आपसे कुछ जरूरी बातें करूंगी। बेटा उन्हें गौर से सुनना भी और याद भी रखना। बॉबी का बचपन मेरे साथ ज्यादा गुजरा नहीं, वो अपने फादर के साथ ज्यादा रहा है बाहर, इसलिए कॉन्फिडेंट, केयरफ्री और बेखौफ सा हो गया वो। और जब इंसान में खुद पसंदी, खुद एतमादी और अना परस्ती जैसी खसूसियात हो तो वो इंसान अक्सर बड़ाई और घुमंड का शिकार हो जाता है। मैं मानती हूँ बॉबी घमंडी भी है, अनापरस्त भी है, खुद पसंद भी है, लेकिन वो मोहब्बत की तरफ ऐसे लपकता है दुआ जैसे परवाना शम्मा की तरफ। उसको हराने का एक ही हथियार है मोहब्बत, और आज ये हथियार तुम्हें दे रही हूँ। उससे प्यार का दाना डालती रहना, वो सारी जिंदगी तुम्हारे कदमों में बैठा रहेगा। और कभी खुदा ना खास्ते एक दूसरे के मुकाबले आ जाओ और एक दूसरे को शिकस्त देने की कोशिश करो तो सुनो दुआ, मैं तुम्हें अपने बेटे को हराने का गुर बता रही हूं, तुम खुद गिर जाना। तुम्हें गिरता देखे झट वो अपनी हार मानने का। बस तभी भी उसकी जिद को अपनी जिद से शिकस्त देने की कोशिश ना कर। आपकी एक एक बात मैंने अपने पल्लू से बांध दी है। जीती रहो, मुझे नाज है अपने इंतखाब पर। तुम्हें पता है जब मैं तुम्हारे घर आती थी और तुम्हें इबादत करता देखती थी तो कितनी मुतासिर होती थी। ये भी एक वजह है तुम्हारे इंतखाब की कि तुम अपने अल्लाह के करीब हो और उसके करीब रहना चाहती हो। यह इंसान की सबसे खूबसूरत ख्वाहिश होती। तो बस कोशिश करना कि हॉबी को भी अपने रंग में रंग लो। वो इस मामले में बहुत बेसिम्त और बेरंग है और कसूर उसका नहीं है। मैं ही बस शायद अच्छी मां नहीं बन सकी, उसकी सेहत का ख्याल करती रही, उसकी जाहिरी जरूरियात पूरी करती रही, लेकिन उसकी रूह के बारे में शायद सोचा ही नहीं। पता नहीं, माओ को शायद समझ ही नहीं होती कि इन सब चीजों के अलावा रूह की परवरिश भी करनी होती। लेकिन अब तुम आ गई हो ना, तो माँ की तरबियत का एंड और अब बीवी की तरबियत का आगाज़।